देखो इस तरह का रैंप है, वहाँ से हम नीचे आएंगे, ये देखो ये पूरा कवर करते हुए, और ये पूरा नीचे से टर्न मारते हुए लूप लेके यहाँ से यूं करके, ये सेकंड लूप लेके, मतलब टोटल तीन दो लूप्स है, ये देखो ये लूप लेके यहाँ से सीधा पार होएगी वहाँ पर गाड़ी, और ये फर्स्ट रैंप से जंप करते हुए, ओ हो, ये सेकंड रैंप है, ये उससे भी खतरनाक है भाई साहब ये, क्योंकि लूप वाला है मैंने आपको जैसे कि बताया। ओ तेरी। हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है फ्रैंकलिन, आप देख रहे हो फ्रैंकलिन के व्लॉग्स। तो भैया आज की वीडियो जो है बहुत रिक्वेस्ट करी गई थी मेरे से इस वीडियो के लिए, और यार बहुत ख़तरनाक भी है, मतलब मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि मेरी लंबोर्गिनी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी इस वीडियो के बाद। तो लॉस सैंटोस में टोटल दो रैंप आए हैं, मेगा रैंप जो बहुत ख़तरनाक है, एक बिल्कुल स्ट्रेट रैंप है ऐसे जाके, और एक बिल्कुल लूप वाला है, तीन चार लूप करके गाड़ी कूदेगी पूरे ऊपर से। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है ये वाली जो गाड़ी मेरी है बुलेट प्रूफ, तो इसके शीशे दरवाज़ों को कुछ नहीं होगा, ऐसा कंपनी ने मुझे बोला है। तो गन वन से हमने चेक किया था, बम से चेक किया था, तो सही में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैं मेरे को हल्का सा डर लग रहा है कि मैं रैंप से इतनी ऊपर से नीचे कूदाऊँगा गाड़ी को तो कुछ हो ना जाए, तो बस थोड़ा सा ये डर है मेरे को। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जो ट्रेवर का हैंगर है, जहाँ पे वो अपने हेलीकॉप्टर वगैरह एरोप्लेन रखता है, क्योंकि वहाँ पे उसने मेरे लिए अरेंज करके दिया है वो वाला हेलीकॉप्टर, कार्गो बॉब कहते हैं जिसे, तो उसकी मदद से मैं इस गाड़ी को ऊपर हवा में उड़ा के उस रैंप तक ले जाऊँगा, क्योंकि एक रैंप है मेज़ बैंक की छत पे, तो छत तक गाड़ी को ले जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर का यूज़ होगा। तो ये आ गया है भैया, कहाँ है हेलीकॉप्टर, उसका पीछे है, तो ये खड़ा हुआ सामने हेलीकॉप्टर, तो इसकी मदद से मुझे इस गाड़ी को हवा में ले जाना है, और कहाँ पे ले जाना है, बहुत दूर तो नहीं है, पास में ही जगह है वो, ये देखो ये रही, तो ये मेज़ बैंक है, यहाँ पर ले जाना है, इसकी छत पे है वो जो रैंप, और दूसरा रैंप दूसरी लोकेशन पे, वो भी मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लूप वाला जो वो है ना रैंप, वो ज़्यादा खतरनाक है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें गाड़ी जो है वो तीन चार बार ऐसे लूप में घूम घूम के जाएगी। बस यार फिंगर्स क्रॉस, काश मेरी बच जाए लैम्बोर्गिनी, कहीं पता चले काम हो जाए मेरा आज इसका, कि नीचे वो तो गेयर आ गई है, तो चलो इसको लटकाते हैं इसमें फटाफट से और निकलेंगे फिर यहाँ से। चलो तो भैया मैंने लटका लिया लैम्बोर्गिनी, इसको चलाने में बहुत दिक्कत होती है हेलीकॉप्टर को, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कभी कभी। तो चलो भैया चलते हैं अपने लोकेशन पे, पहले थोड़ा हाइट में गेन कर लूँ, वरना पहाड़ है सामने, पहाड़ से टकरा गई गाड़ी तो वैसे ही हो, खैर होगा नहीं कुछ जब इतने ऊपर मेगा रैंप से नीचे गिराने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो मैं ऐसे हेलीकॉप्टर से ऊपर से मैं नीचे फेंक दूँ इस गाड़ी को और टेस्ट करूँ कि ये टूटेगी या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को 15,000 लाइक्स तक पहुँचा दो, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा ऐसे ही एक मिशन करने की, कि ऊपर से गाड़ी को नीचे गिरा दूँगा और देखेंगे कि ये टूटती है कि नहीं। इसके अलावा जो हमने टेस्ला का साइबर ट्रक चुराया था वो भी आप बताओ, मैं रैंप पे चलाऊँ क्या उसको, या और कोई आप गाड़ी चाहते हो मैं टेस्ट करूँ उस मेगा रैंप पर, तो वो भी बताना। सारी गाड़ियाँ टूट जाएगी, टेस्ला शायद ना टूटे, और ये तो मुझे पक्का पता है नहीं टूटेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर है मुझे, देखते हैं वो डर सही साबित होता है या फिर गलत साबित होता है। बस यार कुछ हो ना, इतनी महंगी गाड़ी ली है भाई करोड़ों की, हो गया तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर ना ज़्यादा हाइट गेन करता नहीं है, तो मुझे लेफ़्ट लेना पड़ेगा पहाड़ों से। तो चलो फिर मैं आपको मेगा रैंप पे ही मिलता हूँ, सीधा ऊपर बैंक के वहीं पे ही दिखाता हूँ फिर क्या सिस्टम है पूरा। ये देखो भैया ये रहा मेगा रैंप और ये रहा मेज़ बैंक, तो अब मुझे थोड़ा ध्यान से इसको उतारना पड़ेगा गाड़ी को। तो मैं पहले गाड़ी को ना यहाँ पे उतार के फिर हेलीकॉप्टर को नीचे खड़ा कर आऊँगा, तो फिर मुझे वापस हेलीकॉप्टर लाना पड़ेगा दूसरे रैंप पे जाने के लिए, क्योंकि तो हेलीकॉप्टर से तो मैं दूर ही उतरूँगा कहीं पर। चलो ये लोकेशन परफेक्ट है, इसको नीचे उतारते हैं धीरे धीरे। अरे 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 आगे क्यों जा रहा है भैया, घूम जा। यही दिक्कत है यार इस हेलीकॉप्टर की, बस थोड़ा ना परेशानी होती है इसको उड़ाने में, दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो लो भैया लैम्बोर्गिनी को मैंने छोड़ दिया है, ओ ओ ओ हेलीकॉप्टर टकरा गया, तो हेलीकॉप्टर को मैं नीचे छोड़ के आता हूँ और फिर ऊपर आ जाऊँगा मैं किसी तरह से इसकी बिल्डिंग के ऊपर से ही। तो लो भैया मैं आ चुका हूँ ऊपर, ये देख लो रैंप के ऊपर आ गया हूँ, ये रही मेरी गोल्ड लैम्बोर्गिनी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये लोकेशन कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब नीचे का एरिया, ओ भाई। तो यहाँ से मुझे नीचे जाना है, ये है रैंप नंबर 1,
तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगते हैं। जय बजरंग बली। ओ हे भगवान, कुछ ना हो गाड़ी को। तो 3 2 1, तो को थोड़ा सा आगे जाने, तो दिल दग दग हो रहा है मेरा। यहाँ से करेंगे इसको नीचे। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। तो 3 2 1 गो। ओ भाई, ओ तेरी, शिट 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 शिट, 350 की स्पीड। ओ तेरी, नो 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 नो। ओ गाड़ी बिल्कुल ठीक है। यस, पहला रैंप सक्सेसफुली हमने पार कर लिया। कुछ नहीं हुआ गाड़ी को, ये देखो एक भी स्क्रैच नहीं आया गाड़ी में। ओ तेरी, क्या बात है भाई साहब। चलो अब अपनी सेकंड लोकेशन पे चलते हैं, सेकंड रैंप पे, जो कि के यहाँ कहीं पे है। तो मैं वही करता हूँ, अपना हेलीकॉप्टर लाता हूँ और गाड़ी को पहुँचाता हूँ रैंप पे, मिलता हूँ सीधा। तो ये मैं आ गया हूँ सेकंड रैंप पे, और ये आप देख सकते हो सामने से पूरा कर्व है। अभी तो ये आपको सीधा दिख रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ऐसे मतलब पूरा ना लूप में चलेगा, 3 4 लूप कंप्लीट करेगा, और ये ज़्यादा खतरनाक है। इधर से दिखाऊं तो मैं, इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है मेज बैंक वाले से भी। ओ भाई, पटरी है मेरी तो देखने में ही नीचे। शेड शेड शेड, बैक ले लो बैक ले लो। तो चलो भैया टेस्ट करते हैं फाइनली अपना ये सेकंड नंबर का। हाँ, 3 2 1 गो। और ये तीसरा रैंप, सेकंड रैंप है सॉरी, इसमें देखो डबल लूप लगे हुए हैं, और ये मुश्किल है मेरे को लग रहा है क्लियर करना। ओ तेरी, शिट 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 शिट, लैम्बोर्गिनी क्रैश हो गई, बच गए बच गए बच गए। यस 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 यस, ओ तेरी भाई, नो नो नो, पानी में नहीं, पानी में नहीं, पानी में नहीं, पानी, बच गए। तो गाड़ी को देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सक्सेसफुली हम ये रैंप कंप्लीट नहीं कर पाए। लास्ट बार मैं ट्राई करता हूँ इसको ऊपर ले जाने की, अगर इस बार मैं कर पाए, क्योंकि ना लेम्बोर्गिनी का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा लो है, तो लो सस्पेंशन की वजह से वो जब कट आता है ऐसे टर्न वाला, उसमें वो अटक रही है बार बार। तो ट्राई करते हैं फिर से ऊपर जाकर और देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो लो भैया, मैं ऊपर ले आया हूँ फाइनली इसको किसी तरह से फिर से, और इस बार लास्ट ट्राई मारते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ेंगे। तो 3 2 1 गो। और ये सेकंड रैंप है फिर से डबल लूप वाला, इसमें 3 4 लूप होंगे, और भाई प्लीज़ हो जा प्लीज़ हो जा। यस यस यस, पहला लूप हो गया कंप्लीट। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ तेरी, कंट्रोल नहीं हो रही ढंग से। ओ शिट 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 शिट, ओ गॉड, बच गई बच गई बच गई बच गई। कुछ हुआ क्या? ओ तेरी, इस बार भी सरवाइव कर गई अपनी लैम्बोर्गिनी, एक खरोच तक नहीं आई गाड़ी में। ये देखो भाई, सच में बुलेट प्रूफ है ये तो बिल्कुल। और आपको मैं रैंप दिखाऊं अगर ड्रोन से, तो देखो इस तरह का रैंप है, वहाँ से हम नीचे आएंगे, ये देखो ये पूरा कवर करते हुए, और ये पूरा नीचे से टर्न मारते हुए लूप लेके, यहाँ से यूं करके ये सेकंड लूप लेके, मतलब टोटल 3 2 लूप्स है। ये देखो ये लूप लेके यहाँ से सीधा पार होएगी वहाँ पर गाड़ी। तो ये हो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है आपको मैंने बता दिया, क्योंकि लेम्बोर्गिनी के जो नीचे सस्पेंशन है देखो कितने ज़्यादा छोटे हैं, छोटे मतलब काफ़ी लो सस्पेंशन है, तो उस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कोई नॉर्मल गाड़ी लेकर आता हूँ जिसके सस्पेंशन थोड़े से ऊँचे हो, और उससे ये वाला रैम्प ट्राई करेंगे। अगर आप चाहते हो टेस्ला से ट्राई करूँ तो वो भी बता देना। तो ये मैं यहीं खड़ी कर देता हूँ और चेक करता हूँ फिर। तो मैं ये एक सिडैन गाड़ी ले आया हूँ नीचे से जाके, और ये मुझे पता है पक्का मतलब नीचे गिरेगी ऑब्वियसली, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन मैंने अंदर जो है वो सूट पहन लिया है, वो वाला जिसमें फायर प्रूफ है, और मेरे को भी कुछ नहीं होगा। तो ट्राई करते हैं, ये गाड़ी तो फट भी जाए सस्ती सी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 2 1 गो। इससे मेरे ख्याल से पूरा हो जाना चाहिए। ओ भाई, पीछे देखो कितना रास्ता छोड़ा है। इसका सस्पेंशन थोड़ा सा ऊपर है उस वाली गाड़ी से, ये देखो थोड़ा आसानी से क्लियर हो गया ना ये। हे, आराम से आराम से आराम से। ओ यस, सेकंड लूप भी हो गया, बस ये और हो जाए। यस, तो दोनों लूप कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे फाइनली। ये देखो, ओ तेरी, ओ शिट 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 शिट, मैं पानी में कूद जा, पानी में कूद जा, पानी में कूद जा प्लीज। ओ बच गई,
ये भी थोड़ी बहुत झेल गई है, शीशे टूट गए, आगे का शीशा टूट गया पूरा, ये स्क्रैच आ गया, फटी नहीं गाड़ी, बस चलो बच गया मैं। तो भाई साहब ये था पूरा सीन, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, देखो चल भी नहीं पा रही ढंग से गाड़ी, पर अपनी लैम्बोर्गिनी सरवाइव कर गई है, वो मैं घर पे रखे आया हूँ। तो चलो यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और ऐसे गेम प्लेस देखना चाहते हो, ऐसे कौन सी गाड़ी से मतलब मैं रैंप पे कूदूँ, या इससे भी खतरनाक रैंप देखना चाहते हो लॉस सैंटोस या बाहर शहर में, तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी 15,000 लाइक्स कर दो तब मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आप ऐसे वीडियोज़ पसंद कर रहे हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.